हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे, सबसे पहले प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों जो मैकेनिकल वाले हैं, ऑटोमोबाइल वाले हैं, वो सभी प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल के बारे में जानते हैं, पर पहली बार अब ये हो रहा है कि सेम थर्ड के लिए यूट्यूब चैनल को लॉन्च कर दी गई है। सो ये जो सेम थ्री वाले स्टूडेंट्स है, सभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके सेम थ्री के तीन सब्जेक्ट मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, फिर आएगा केटोम, काइनेमेटिक्स एंड थियरी ऑफ मशीन, एंड सीवी That is complex variable and partial differential equation, जिसको आप math 3 भी बोल सकते हो। तो ये तीन subjects आपके cover करने वाला हूँ। तो पहले तो जितने भी सारे students हैं sem 3 वाले, जिनको भी ये subjects आता है, share कर दीजिए, इस video को उड़ा दीजिए। पूरे गुजरात के हर एक engineering students को ये video मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपको free content मिलेगी। तो आप दो चीज मेरे लिए कर सकते हो। एक तो ये जितना भी students है ना, उन सभी लोगों को पहुंचाओ, क्योंकि ये पूरे दिल से hard work होने वाला है। इसमें मेरा amount तो टाइम भी डालने वाला हूं, बहुत सारे रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जितने भी आपके सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी को बताइए, पहली चीज तो मैं आपको ये फैला दीजिए इसको, ठीक है। ये हार्ड वर्क हर स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज कि ये अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल होते हैं, तो आप 200 रुपीज देके इस वीडियो को आप डोनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कोई भी जगह पे जाते हो, कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हो, कोई भी कंटेंट का इस्तेमाल करते हो, तो हम उसके लिए पे करते हैं। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि अगर आपको ये प्लेलिस्ट हेल्पफुल हो रही होगी या होगी आगे जाके, तो आपको लगे तो यू हैव टू गिव 200 रुपीज पर सब्जेक्ट टू प्रोफेसर कार्तिक एज अ गुरु दक्षिणा, ठीक है। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं अभी आपको मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको सब पता हुआ है। So let's start without wasting time. तो यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज का। तो अपनी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज आने वाली है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 313905 और जिसकी क्रेडिट है 5, यानी 5 क्रेडिट वाला ये पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब ये एक सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि अगर आप फिफ्थ सेम में जाओगे तो फिफ्थ सेम में आएगा आपको हीट ट्रांसफर, ठीक है। फिर आप जाओगे सिक्स एम के अंदर, सिक्स एम में जाओगे तो आपको आएगा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, यानी उसमें रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, वो सारे पार्ट्स आएंगे। तो ये एक थर्मल का पार्ट है। अब यहां से आपका थर्मल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल में बहुत सारा होता है, मशीन डिजाइन होता है, थर्मल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये सारी मेन ब्रांचेस है मैकेनिकल की। तो इसमें जो थर्मल इंजीनियरिंग है, उसका फर्स्ट स्टेप दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। तो आप यहां से उसका स्टार्ट करने वाले हो। सो आप समझ लो कि थर्मल ये मैकेनिकल का आप हार्ट समझ लो, आइस इंजन, जो भी आगे जाके आप पढ़ोगे या फिर पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक्स आपने बीएमई बेसिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, तो ये हार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स अगर तुमको नहीं आएगा तो आगे जाके फिफ्थ सेम में तुमको हीट ट्रांसफर नहीं आएगा, सिक्स सेम में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा, सेवन सेम में तुम इलेक्टिव लोगे तो उसमें रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा। तो मैं मानता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूं आपको, पर अभी तो मैं इस पर ये वीडियो इसलिए फोकस किया, तो पहले तो ये वीडियो इसलिए मैं बनाया, तो आप सबको पता चल जाना चाहिए कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, मैंने लॉन्च कर दिया है। दूसरी चीज, अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसा होगा। देखो टीचिंग मेथोडोलॉजी, अभी आप जो जिस वे से देख रहे होंगे, दैट इज आई एम टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ आईपैड, पर उसका मतलब ये नहीं मैं इससे स्ट्रिक लूंगा, कभी कभी मैं व्हाइट बोर्ड भी ले लूंगा, कोई भी टीचिंग मेथोडोलॉजी उसमें चेंज होती रहेगी, क्योंकि मेरा काम है कौन से वे में, ऐसा कौन से वे में पढ़ाओ जिसे स्टूडेंट्स को इजी और इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। सो आई एम नॉट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू कि मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से मुझे इस तरीके से पढ़ाना है स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। अब इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो ये सब्जेक्ट तुम्हारा 5 क्रेडिट का है। अब सभी लोग जानते हैं कि जिसकी क्रेडिट ज्यादा हो उसमें अगर मार्क्स ज्यादा है तो एसपीएस ज्यादा आते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिक सेंस। अब इसमें कितने चैप्टर है, थोड़ी बेसिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें आपके जो टोटल चैप्टर्स है, दैट इज 5 चैप्टर अकॉर्डिंग टू जीटीयू सिलेबस। आपकी जो लोकल टेक्स्ट बुक होगी कोई भी, तो उसमें उसको डिवाइड करते करते उसको 12 में भी कन्वर्ट कर दिया होगा, पर एज पर जीटीयू सिलेबस मैं बात करूंगा कि टोटल 5 चैप्टर्स है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन, तो जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको क्या सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है, फिर थर्मोडायनेमिक के जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे होंगे। सेकेंड चैप्टर के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बट यहां पे आप उसका मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिकल फॉर्म्स आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा इंजीनियरिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। सो यहां पे उस सारी चीजों पे फोकस आएगा, फिर स्टेडी फ्लूइड फ्लो एनर्जी इक्वेशंस आएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप जितना भी पढ़ोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएफएफई
जो आएगा सेकंड चैप्टर से पढ़ेंगे आगे, अभी इसको इतना ज्यादा हम एक्साइटेड नहीं होते। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे आप, जो आपका रेफ्रिजरेशन, अगर आप फ्यूचर में जाकर रेफ्रिजरेशन पढ़ते हो अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे तो इसका पार्ट होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद एंट्रोपी एंड एक्सर्जी, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये थोड़ा हार्ड भी है समझने के लिए, ठीक है। सो दिस इज इंपोर्टेंट पार्ट। फिर आएगा वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल पे आप जाओगे 6M के अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। सो आपकी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ठीक है, वो वेपर साइकिल में आती है क्योंकि वो वेपर कंप्रेशन साइकिल है। फिर वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल आती है वेपर साइकिल के अंदर, ठीक है। सो ये वेपर पावर साइकिल दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आता है गैस पावर साइकिल, जिसके अंदर आपका रेफ्रिजरेशन आगे फ्यूचर में जाके बेस होगा, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी देख के रखिए, हीट इंजन क्या है, हीट पंप क्या है। सो ये सारे 4 चैप्टर्स के अंदर। फिफ्थ चैप्टर वो बेसिक है, आप उसको आइस इंजन का भी पार्ट बोल सकते हो, उसमें कंबशन क्या है, कंबशन कैसे होता है, उसका इक्वेशंस, उसका बेसिक मैकेनिज्म्स और कैलोरीमीटर और सारी चीजें की बात की हुई है। सो मेरे हिसाब से जो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपका सेकंड नंबर का चैप्टर एंड फोर्थ नंबर का चैप्टर, दैट इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। थर्ड भी ऐसा नहीं, बाकी सारे भी है, पर जो ज्यादा से ज्यादा जीटीयू के अंदर जो क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे वो होंगे आपके चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर इसमें मैं कौन सी बुक, देखो बेटा आपको मेरे वीडियो फॉलो करना है, आप कोई भी लोकल टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, आपको जीटीयू की पब्लिकेशंस की कोई भी लोकल बुक हो, आपको आप बोल रहे हो सर मेरे को बुक्स इंडिया, देख लो अपने हिसाब से आप ले सकते हो, मैं वीडियो में बताऊंगा आप समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से अपनी जो भी टेक्स्ट बुक जिसमें आपको ईजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। आपको यह देखना है कि आप जो भी टेक्स्ट बुक परचेस करें वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जीटीयू के मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के दिए गए हो और सोल्व किए गए हो। एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं करता हूं। दूसरी चीज, किसी को अगर कोई चाहिए कि सर मुझे कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक अगर चाहिए, तो देखो आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक या किसी की जरूरत है, आप पीके नाग, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय पीके नाग, दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड रेफरेंस बुक। बट अभी आपका बच्चों लेवल वो नहीं है, किसी को लगता है कि मुझे उस लेवल पे जाना है, यू कैन डू इट, बट आप अभी लोकल पब्लिकेशन में जो पढ़ाता हूं उस पर ध्यान दिए। अब तीसरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि सर इसमें से न्यूमेरिकल कैसे होंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे नहीं, देखो भाई इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, मिनिमम 30 मार्क्स आप क्वेश्चन 30 मिनिमम, यानी 30 उसमें प्लस और माइनस थोड़ा हो सकता है, प्लस और माइनस 7 मार्क्स हो सकते हैं, यानी 21 टू 13 मार्क्स के इन बिटवीन आपको इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप ऐसा छोड़ नहीं सकते उसको न्यूमेरिकल्स को, सो यू कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल, उसका वेटेज होगा अगर 70 मार्क्स का पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस पेपर होगा तो यू कैन एक्सपेक्ट 21 टू 30 मार्क्स न्यूमेरिकल के रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर मेरे को न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप यहां से पढ़ोगे कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा तो न्यूमेरिकल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप सब मेरे पे छोड़ दो, शांति से इसको फॉलो करना है। आप बोलोगे सर वीडियोस आपके कब कब आएंगे, देखो वीडियोस जैसे मंडे ट्यूजडे वेनसडे ये रहेगा रिजर्व 7 और 5th सेम वालों के लिए, फिर होगा थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये आपका 3rd सेम वालों का और 1st सेम वालों के लिए रिजर्व है, तो इसमें आपके वीडियो आएंगे। तो पहले तीन जो वीक के होंगे वो 7 एंड 5th वालों के लिए हुए, और बाकी के तीन दिन जो रहेंगे हफ्ते के दैट विल बी फॉर 3rd सेम्स एंड 1st सेम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रहेगा, तो और कुछ बोलना मैं नहीं चाहता हूं, इसका आपको अभी कंटेंट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सब्र करना, शांति से आपको एग्जाम से पहले इसके सारे कंटेंट कवर कर दिए जाएंगे। तो पहले तो अभी आपको ये काम करना है कि आपके जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं इसको शेयर कर दीजिए, फटाफट इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपको मुफ्त में मिलने वाला है, क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को पहुंचा दीजिए। आई होप को वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।